देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 27 अक्टूबर को दूसरी बार चित्रकूट आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के चित्रकूट आगमन के पीछे दो कारण हैं। पहला, देश के प्रसिद्ध उद्योगपति स्वर्गीय अरविंद भाई मोफतलाल की जन्म शताब्दी और दूसरा जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज द्वारा लिखित पाणिनि अष्टाध्याय की टीका का विमोचन। प्रधानमंत्री के चित्रकूट आगमन को लेकर मध्य प्रदेश प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अपने अपने काम में जुट गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उड़न खटोला सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्याधाम समिति के प्रांगण में उतरेगा और उसके बाद वह अरविंद भाई मोफतलाल के समाधि स्थल पर पहुंचकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा संचालित सदगुरु नेत्र चिकित्सालय द्वारा मानव सेवा के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद वह इसी परिसर में बनाए गए इमरजेंसी केयर यूनिट के अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने जानकी कुंड की ओर आने वाले रास्तों पर सार्वजनिक वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे कार्यक्रम स्थल का हवाई सर्वेक्षण करने में जुटी हुई हैं और चप्पे चप्पे पर उनकी नजर है। सदगुरु सेवा संघ की स्थापना स्वामी रणछोड़दास जी महाराज ने की थी। स्वामी जी का मानना था कि भूखे को अन्न, गरीबों को वस्त्र और नेत्र रोगियों के लिए आंखों का इलाज मुफ्त होना चाहिए। रणछोड़दास जी महाराज जी ने जब अपनी यह इच्छा अपने शिष्य अरविंद भाई मोफतलाल को बताई तो उन्होंने मुंबई में अपनी फैक्ट्री से पर्याप्त मात्रा में कपड़े भेजने शुरू किए और चित्रकूट में अन्य क्षेत्र का संचालन भी प्रारंभ किया गया। अब सबसे बड़ा काम था नेत्र रोगियों के आंखों के इलाज की व्यवस्था। इसके लिए सदगुरु नेत्र चिकित्सालय की स्थापना की गई। इस अस्पताल में मोतियाबिंद का पहला ऑपरेशन टार्च की रोशनी में किया गया। आज सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा संचालित यह अस्पताल ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र रोगियों की सेवा करने वाला देश का सबसे बड़ा अस्पताल बन चुका है। पिछले वर्ष यहां लगभग 1.5 लाख लोगों की आंखों का सफल ऑपरेशन किया गया। सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में झंडा बुलंद करने के बाद गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए भी वरदान साबित होने जा रहा है। ट्रस्ट ने एक नए अस्पताल का निर्माण किया है। यह इमरजेंसी केयर यूनिट किसी भी मर्ज के गंभीर रोगियों को सस्ता और सुलभ इलाज उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस अस्पताल का विधिवत उद्घाटन करेंगे। अस्पताल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन होगा और इसके बाद उनका काफिला चित्रकूट के प्रख्यात रामकथावाचक जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज द्वारा चित्रकूट में स्थापित तुलसी पीठ पहुंचेगा। यहां पर पीएम मोदी स्वामी जी से मुलाकात करेंगे और उनके द्वारा लिखी गई पाणिनि अष्टाध्यायी की टीका का विमोचन करेंगे। विश्व में पहली बार किसी ने पाणिनि अष्टाध्यायी पर टीका लिखी है। ऐसी मान्यता है कि जो भी विद्वान इसकी टीका लिखना प्रारंभ करता उसकी मृत्यु हो जाती थी। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने जब पाणिनि अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखने का निश्चय किया तो उनकी मुंह बोली बहन स्वर्गीय गीता देवी, जिन्हें प्यार से लोग बुआ जी बुलाते थे, उन्होंने कहा कि यह कदम कहीं आपके लिए घातक न साबित हो। लेकिन गुरु जी ने इसकी परवाह न करते हुए पाणिनि अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखना शुरू किया। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही बुआ जी का देहांत हो गया। आज यह रचना पूरी हो गई है और 10 भागों में यह ग्रंथ मुद्रित हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका विमोचन होने जा रहा है। उसमें पाणिनि व्याकरण पर मैंने व्याख्या की है और उस पुस्तक की एक विशेषता है सनत और शांतनु, जो भी उसकी व्याख्या करने गया वो बीच में मर जाता था। जयादित्य ने व्याख्या करने की सोची तो बीच में मर गई। पतंजलि भी पूरी पर नहीं व्याख्या कर पाई, 3000 सूत्रों की ही व्याख्या की। और मैक्स मूलर ने करना चाहा वो भी मर गए बीच में। दयानंद सरस्वती ने करना चाहा वो भी मर गए थी बीच में। जब मैंने करने का निर्णय लिया तो मेरी बड़ी बहन ने कहा, आप सबकी बुआ जब तो नहीं रहे, उन्होंने कहा गुरुजी आपकी मृत्यु मैं ले लूंगी, आप इसको पूरा कीजिए। और वही हुआ, उनकी जीवन अवस्था मैंने पूरा कर दिया और 2 महीने के पश्चात बुआ जी चले गए। ये इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब आप बताओ, इसका आकार केवल, मूल आकार केवल 25 पृष्ठों का है और मेरी व्याख्या का आकार 9000 पृष्ठों का है। अब इसे कल्पना कर लीजिए, ऐसी पुस्तक आज तक भारत में किसी ने नहीं लिखी। मेरे पास धन नहीं है, पर शास्त्र ही मेरा धन है। और द्वितीय पुस्तक है श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। राष्ट्रलीला तो सारा संसार जानता है भगवान की, पर राष्ट्रलीला कितनी बड़ी भगवान की हुई कोई जानता ही नहीं। उस पर मैंने पुस्तक लिखी, उसका लोकार्पण होना है। और तीसरी पुस्तक है राम श्री रामानंदाचार्य चरितम, ये संस्कृत में महाकाव्य है। नैसर के
आज की तारीख में सबसे बड़ा महाकाव्य 27 सर्गों का महाकाव्य इस पुस्तक का लोकार्पण होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा चित्रकूट के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है। जिस तरह से पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के धार्मिक स्थलों का चहुमुखी विकास हुआ है, चित्रकूट के लोग भी आशा रखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रकूट का उसी तर्ज में विकास करेंगे। और पौराणिक और आध्यात्मिक रूप से अति महत्वपूर्ण यह धरती संसार भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगी।